बीजेपी नेताओं के पुलिस कमिश्नर से हॉट टॉक। भाजपाइयों ने कहा क्रॉस एफआईआर लिखिए, कमिश्नर बोले आप मुझसे बहस करने आए हैं। कानपुर में सिख दवा कारोबारी को पीट पीट कर मरणासन्न करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित समेत 5 लोग नामजद हैं। अंकित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय सड़क पर उतर चुका है। वहीं 4 दिन से फरार अंकित पर बुधवार को 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद भाजपा नेता पुलिस पर क्रॉस एफआईआर का दबाव बनाने लगे। बीजेपी नेताओं ने बुधवार को रात कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। नेताओं की अगुवाई विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के पीआरओ राकेश तिवारी कर रहे थे। टकराव की स्थिति बनी रही। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार और बीजेपी नेताओं के बीच हॉट टॉक भी हुई। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि क्रॉस एफआईआर लिखिए या हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस कमिश्नर ने भी दो टूक कह दिया कि जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ इनाम घोषित होगा, एनबीडब्ल्यू होगा और जेल भेजा जाएगा। दरअसल बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर दफ्तर को भाजपाइयों ने घेर लिया। यहां हंगामा शुरू हुआ। पुलिस वालों ने भी दफ्तर के गेट बंद कर दिए। हालांकि बाद में कमिश्नर ने बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुला लिया। यहां बातचीत का दौर शुरू हुआ तो भाजपा नेताओं ने कहा कि पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आपके पास एविडेंस क्या है कि भाजपा पार्षद के साथ छेड़खानी हुई है, इसमें गिरफ्तारी होगी। आपने जो पॉइंट्स दिए हैं आपकी मांग को भी विवेचना में शामिल कर लिया जाएगा। भाजपा नेता बोले आपने जो व्यापारी की तरफ से एफआईआर दर्ज की है वो विवेचना करके दर्ज की है, विवेचना की थी उसकी। पुलिस कमिश्नर सीपी ने कहा कि आप मुझसे बहस करने आए हैं क्या। इस पर भड़के बीजेपी नेता ने कहा कि सीपी साहब आप अगर अच्छे माहौल में बात करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं।